हेलो फ्रेंड्स, मार्बल डिज़ाइन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक जो कि घड़ाई के काम का है और इसको आप नक्काशी वर्क भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये डिज़ाइन किस चीज़ का है और ये मार्बल आप जो देख रहे हैं, ये वाइट मार्बल, ये कौन सा मार्बल है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम इसकी वाइट मार्बल की बात करें तो ये मकराना मार्बल है जो कि अलग अलग माइंसों से मार्बल आता है। उसी माइंस की एक माइंस का ये पत्थर है। ये नहर कान का एक पत्थर है जो आप मार्बल देख रहे हैं। आप देखिए, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई नुक्स नहीं है। ये दोनों जो आप 1 और 2 में जो पार्ट देख रहे हैं, ये 2 भाग में एक गेट का डिज़ाइन बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई नुक्स नहीं है। दूसरी बात है फ्रेंड्स, हम इस बोर्ड की रेट की बात करें तो ये आपको 1500 रुपये 1700 रुपये स्क्वायर फिट में ये बोर्ड आता है। उसके बाद में इसका खर्च आपको कितना आता है पूरा गेट बनाने में, इसकी रेट में आपको पूरा खर्च बताऊंगा। और ये मार्बल 1700-1800 रुपये पर स्क्वायर फिट के अंदर ये आता है। दूसरी बात है फ्रेंड्स, इसकी नक्काशी का जो खर्च आता है वो है पूरा 2500 से 3000 रुपये पर स्क्वायर फिट का इसका खर्च आता है। और इसकी घसाई का चार्ज भी हमारे अंदर रहता है और इसकी फिटिंग का चार्ज भी हमारे अंदर ही रहता है। दूसरी बात है फ्रेंड्स, जब हम इसको फिटिंग करते हैं तो उसकी जहाँ, जैसे अभी आपको बाहर कहीं पे काम करवाना ही है तो इसकी जो रहने की व्यवस्था होती है वर्कर्स वगैरह की, वो सब आपको करवानी पड़ती है। और जो खाने खर्चे का जो रहता है वो मेजरमेंट, वो सब आप ही का रहता है। हमारा काम बस रहता है कि आपकी साइड पे आके इसको फिटिंग करना रहता है और बस किसी भी चीज़ की रहने की व्यवस्था भी आपको करना पड़ती है। दूसरी बात है, इसका कुछ पूरा खर्च आता है आपको 3000 रुपये पर स्क्वायर फिट का इसका खर्च आता है और ये गेट आपको फिटिंग हो जाता है। दूसरी बात है फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं ये डिज़ाइन कितनी साफ़ सफाई से बना हुआ है। हालांकि काम करने वाले तो बहुत हैं लेकिन काम का भी एक तरीका होता है। आप देख सकते हैं पूरी फिनिशिंग के साथ में ये काम किया गया है। इसकी बस थोड़ी सी घिसाई बाकी है। घिसाई होने के बाद में, आप घिसाई भी बोल सकते हैं, आप इसको फिनिशिंग भी बोल सकते हैं, फिनिशिंग होने के बाद में ये इसका बहुत ही अच्छा लुक आता है।